नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया के 25 बड़ी खबरों की ओर। दुनिया भर के चिप निर्माताओं को पीएम मोदी ने दिया निवेश का न्योता, बोले भारत पर दुनिया का बढ़ा भरोसा। INDIA के 20 सांसद मणिपुर रवाना, कहा जमीनी हालात का जायजा लेंगे। राज्य में हमलावरों की, सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 3 की मौत। संसद में अगले हफ्ते पेश होगा दिल्ली का अध्यादेश, सरकार ने सदन में जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया। कर्नाटक सीएम की गाड़ी एक बुजुर्ग ने रोकी, कहा आपके मेहमान जहां जाते गाड़ी खड़े करते हैं, हमारे वाहन नहीं निकल पाते। बैडमिंटन खेलते देखे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा डरना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा, लड़ा है और लड़ेंगे। बीजेपी के चुनावी वादे पर यूपी में फोकस, सीएम योगी का बड़ा निर्देश, हर परिवार को मिलेगा रोजगार, परिवार कल्याण ई पासबुक जारी करने की तैयारी करें। मणिपुर सांसदों की डेलीगेशन के साथ जा रहे जयंत चौधरी, सपा ने सपा के जावेद अली खान को दी है जिम्मेदारी। चांदपुर के महेंद्र सिंह बने बसपा के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर, बसपा के वफादारों में है गिनती, लोकसभा चुनाव में जीत का बनाया लक्ष्य। बदायूं में बिसौली विधायक समेत 25 आरोपी कोर्ट से बरी, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस था दर्ज, पुलिसकर्मी पर होगी विभागीय कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों ने खेतों में बनाया ठिकाना, खेत जाने से घबरा रहे किसान, अपना दल एस के जिला महासचिव ने शासन को लिखा पत्र। ताइवान को 28,000 करोड़ का मिलिट्री पैकेज देगा अमेरिका, इसमें एयर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम शामिल है। ब्रिटेन में भेदभाव, 150 भारतीय फेल किए, सभी श्वेत पास, फीस के 15 करोड़ रुपए जमा कर चुके, आरोप कॉपी को जांचने वाले अंग्रेज थे। इंटरनेशनल रैपर की मूसे वाले को श्रद्धांजलि, बर्ना बॉय ने अपने गाने बिग सेवन में कहा रिप सिद्धू, वीडियो में भी लिखा लेजेंड नेवर डाई। जापान के विदेश मंत्री हयाशी भारत दौरे पर, 5 साल में 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही, मेट्रो में भी बैठे। ताइवान फिलीपींस के बाद चीन पहुंचा टाइफून डोकसुरी, 12 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। T20 वर्ल्ड कप अगले साल 4 से 30 जून तक, क्रिकेट इतिहास में अमेरिका को पहली बार मेजबानी, वेस्टइंडीज समेत 10 शहरों में 55 मैच। 5वें एशियस टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 295 पर, सिम टी स्मिथ ने खेले 71 रनों की पारी, इंग्लिश पेसर्स ने 10 में से 8 विकेट लिए। देवधर ट्रॉफी 2023 में ईस्ट साउथ और वेस्ट जोन ने जीते मुकाबले, रियान एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बैटर। टीम में लगातार जगह नहीं मिलने पर बोले कुलदीप यादव, कहा सिलेक्शन नहीं होना मेरे लिए सामान्य बात, लाइन लेंथ पर बॉल डालने पर फोकस। पापुआ न्यू गिनी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जगह बनाई, 20 टीमें टूर्नामेंट खेलेंगी, 15 टीमें पक्की हुई, 5 की जगह खाली। रॉकी और रानी की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत, पहले दिन कमाए 11.5 करोड़, रणवीर की पिछली फिल्मों से बेहतर रहा कलेक्शन। अनिल शर्मा और मेरे बीच पिता बेटी जैसा रिश्ता, गदर 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बोली अमित शाह, पहले लगाए थे मिसमैनेजमेंट के आरोप। जैकलिन के फैन ने कोर्ट में लगाई याचिका, कहा सुकेश के लेटर से एक्ट्रेस की इज्जत दांव पर, कोर्ट ने बताया चीप पब्लिसिटी। भारत पाक रिश्तों पर टिप्पणी में फंसे सनी देओल, लोगों ने पूछा कारगिल कश्मीर में हमारे जवानों को किसने मारा।
गदर 2 का BTS वीडियो वायरल, अमीषा पटेल ने गाया ऊर्जा काले कावा सॉन्ग, खाली टाइम में मस्ती करते दिखे स्टार्स। मिनट की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।